वैसे हमने महाभारत रामायण देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको याद है कि द्रौपदी ने आखिर क्यों और कैसा श्राप दिया था कुत्तों को, जिसकी सजा आज तक वे भुगत रहे हैं? अगर नहीं याद है तो आज हम आपको इसका पूरा इतिहास बताने वाले हैं, इन्हें जिसकी सजा ये कलयुग में भी भुगत रहे हैं। आज हम आपको इस बारे में एक रोचक कहानी बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। बहुत से लोगों को पता होगा कि द्रौपदी के शाप के कारण कुत्ते खुले में ही सहवास करते हैं, पर क्या आपको ये पता है कि द्रौपदी ने आखिर कुत्तों को कौन सा श्राप दिया था जिसकी सजा वे आज भी भुगत रही हैं? अगर नहीं पता तो जल्दी से हमारे पेज को लाइक करें। तो आज हम आपको इसका पूरा इतिहास बताने वाले हैं कि आखिर द्रौपदी ने ऐसा क्या श्राप दिया था जिसकी सजा कुत्ते कलयुग में भी भुगत रहे हैं। आज हम आपको इस बारे में रोचक कहानी बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में शायद ही आप लोगों को पता हो। टीवी पर आपने महाभारत तो देखा ही होगा, अगर नहीं देखी तो हम आपको पूर्ण महाभारत बता देते हैं कि आज की ये कहानी इसी महाभारत से है। कहानी की शुरुआत द्रौपदी विवाह से होती है। अर्जुन द्रौपदी से विवाह कर उन्हें अपने घर लाए तो मां कुंती ने अनजाने में ये कह दिया था कि जो भी लाया है उसे सभी भाइयों में बराबर में बांटकर उसका उपयोग करेंगे, और इसी वजह से पांचों भाइयों को द्रौपदी से विवाह करना पड़ा था। दरअसल हकीकत सत्य से कई ज्यादा है, और जो आज हम आपको बताएंगे, वैसे आपको बता दें कि ये सब भगवान महादेव का रचा हुआ खेल था। आपको बता दें कि द्रौपदी ने भगवान शिव की पूजा करके उनसे वरदान मांगा था कि उन्हें बल, बुद्धि, कौशल, शौर्य और नैतिकता में परिपूर्ण का वर मिले, लेकिन द्वापर युग में ऐसा संभव नहीं हो सका। हर किसी न किसी व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी होती थी, और इसी वजह से द्रौपदी को ये सारे गुण उनके अलग अलग पतियों में मिले, और इसी कारण उन्हें पांच पांडवों से शादी करनी पड़ी थी। जब अर्जुन ने द्रौपदी को शादी करके घर लाए थे तो इसी कारण अनजाने में मां कुंती के मुंह से ये निकल गया कि इसे आपस में सब बांट लो, और अपनी मां कुंती का मान रखने के लिए पांडवों को द्रौपदी से शादी करनी पड़ी। और इसके बाद पांडवों में ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष किसी एक ही पांडव के साथ अपना समय व्यतीत करेंगी, और जो कोई भी इस निर्णय का दुरुपयोग करेगा उसे एक वर्ष तक वनवास जाना होगा, और जब भी द्रौपदी किसी पांडव के साथ अकेले में समय व्यतीत कर रही होती तो दूसरे पांडव को कक्ष में आना वर्जित था। इस दौरान एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसकी वजह से कुत्तों को श्राप मिला कि सहवास करते समय उनको पूरी दुनिया देखेगी। पांडवों ने नियम बनाया था कि जब भी कोई एक पांडव द्रौपदी के कक्ष में जाया करता था तो वो अपनी चरण पादुकाएं द्वार पर उतार दिया करता था, ताकि उसके भाई पादुका देख कक्ष में प्रवेश ना करे। परंतु जब एक बार अर्जुन अपनी पादुकाएं प्रवेश द्वार के बाहर उतार कर द्रौपदी के कक्ष में थे
तभी द्वार पर एक कुत्ता आया और खेल खेल में उस कुत्ते ने उस अर्जुन की पादुका उठा ली और उसे लेकर वो पास के जंगल में जाकर उसके साथ खेलने लगा। उसी दौरान भीम अपने कक्ष की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि द्रौपदी के कक्ष के बाहर कोई पादुका नहीं है और वो द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर गए। इस तरह से भीम को अपने कक्ष में देखकर द्रौपदी काफी शर्मिंदा हो गई और बहुत ही क्रोधित होते हुए उसने भीम से कहा कि उसने कक्षा में प्रवेश कैसे किया जबकि अर्जुन उनके कक्ष में है। इस पर भीम ने बताया कि बाहर कोई पादुका द्वार पर नहीं रखी है। दोनों भाई कक्ष के बाहर आए और उन्होंने पादुकाओं को खोजना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते वे पास के जंगल पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता अर्जुन की पादुकाओं के साथ खेल रहा है। द्रौपदी इस बात से बहुत लज्जित महसूस कर रही थी और उतना ही क्रोधित भी थी, तो उन्होंने क्रोध में आकर कुत्तों को ये श्राप दे दिया। जैसे आज मुझे भीम ने सहवास करते देखा, उसी तरह तुम्हें सारी दुनिया सहवास करते देखेगी। तभी से माना जाता है कि कुत्ते सहवास करते समय लोक लज्जा की चिंता नहीं करते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताएं।